She was the neighborhood dream girl. Can look with those touch, they all wanna know us. If it ain't with me, then it can't be no one. When the groupies came to the show, when the money started to grow, you stayed down. Don't play around. Look at this girl. हेलो गाइज, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइज, आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका की एक अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले ये वीडियो है 18 प्लस की, तो बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की इस अपडेट में। तो ये है अपडेट फ्यूचर से रिलेटिव कैप्टन के लिए। तो पकी ने जब स्टीव से बोला था कि आओ चलो घूमने चलते हैं मेले में और थोड़ा टाइम पास करेंगे और लड़कियों से थोड़े मजे और गपशप लड़ाएंगे, तो कैप्टन को एक सोल्जर बनना था, वो एक सच्चाई की पुतले हैं, उन्हें इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फाइनली कैप्टन अमेरिका ने उस मेले में टेस्ट दिया, वो फेल हो गए। फेल होने के चक्कर में कैप्टन अमेरिका बने। उसके बाद कैप्टन अमेरिका 97 के ईयर्स के हो चुके हैं और 2018 में वो टोटल 98 ईयर्स के हो जाएंगे। तो कैप्टन अमेरिका इस टाइम टोटल पूरे वर्जिन है, उनकी कोई शादी नहीं हुई है। उन्हें सबसे पहले जो किस करा गया था वो थी एक एजेंट जो इन्हें खींच के ले गई और किताबों के पीछे उन्हें पहला किस करा था। जी हाँ, उसके बाद उनको दूसरा जो किस मिला था वो था हमारी एजेंट कार्टर की तरफ से। तो एजेंट कार्टर काफ़ी खूबसूरत थी, पर तब भी कैप्टन अमेरिका उनसे मिल नहीं पाए और उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं बना पाए। जी हाँ, तो उनका दूसरा किस वो था जब कैप्टन अमेरिका की एंडिंग का सीन चल रहा था, तो ये काफ़ी अनोखा था। देन उसके बाद थर्ड सीन था वो जब एनिए कैप्टन अमेरिका मिलते हैं एजेंट कार्टर से, जब वो बूढ़ी हो जाती हैं और फाइनली वो उन दिनों को याद कर रही होती हैं जब वो कैप्टन के साथ रहती थी। और फाइनली कैप्टन अमेरिका का थर्ड किस था ब्लैक विडो के साथ। जी हाँ, तो वो खूबसूरत लेडी जो कि आज दुनिया पे सभी लड़के उन पर मरते हैं। तो कैप्टन अमेरिका को ब्लैक विडो ने थर्ड बार किस करा। और फाइनली आपको एक कार वाला सीन याद होगा, तो ब्लैक विडो कहती है क्या ये तुम्हारा पहला किस था, तो कैप्टन बोलता है नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। उसके बाद एनिए फोर्थ किस था एजेंट 13 का। जी हाँ, तो कैप्टन अमेरिका को थर्ड नंबर पर प्यार करने वाली, फोर्थ नंबर पर प्यार करने वाली थी एजेंट 13। तो एजेंट 13 ने भी कैप्टन को किस करा। तो फाइनली ये थी जो स्टोरी जो कैप्टन अमेरिका की फ्यूचर से रिलेटेड थी। और फाइनली भी कंफर्म ये हुआ है कि कैप्टन अमेरिका अगर मरेंगे तो वर्जिन ही मरेंगे, उनकी कोई शादी नहीं होगी। तो गाइस, ये थी कैप्टन की स्टोरी। तो गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर जान के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।